विश्व के अंदर आजादी के पाने के लिए हर किसी की कोशिश रहती है, लेकिन बिना रक्त बहाए हिंसा का भरपूर विरोध करते हुए अहिंसक मार्ग से अपने हकों के लिए लड़ना सत्याग्रह का मार्ग महात्मा गांधी ने विश्व को दिखाया। अनेक नए नए विचारों को जन्म देने वाले लोग तो बहुत होते हैं, नई नई कल्पनाएं देते हैं, नए नए आइडियाज देते हैं, नए नए विचार देते हैं, लेकिन कभी कभी वो विचार लाइब्रेरी के अंदर किताबों में शोभा देते हैं, लेकिन जब उत्तम विचार के साथ त्याग और तपस्या में जीवन जुड़ जाता है तब वो युग प्रवर्तक आस्था में परिवर्तित हो जाता है। महात्मा गांधी ने जो विचार दिए अपने जीवन की कसौटी पर कस करके दिए, जीवन जी करके दिए, और जिसने जीवन को जी करके दिया है, और तभी तो गांधी की आत्मकथा उनका उनके जीवन को प्रतिबिंबित करती है। और इसलिए आज इस महान देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों पर लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, अहिंसा के लिए, प्रेम के लिए एक पथ प्रदर्शक बनकर रहेगी। आज विश्व, आज मानव जात दो भयंकर संकटों से गुजर रही है। विश्व को भारी चिंता है। एक चिंता है क्लाइमेट चेंज की और दूसरी चिंता है आतंकवाद की, टेररिज्म की। विश्व के सैकड़ों नेताओं की तरफ नजर करें और कोशिश करें खोजने की कि कौन से महापुरुष हैं जिसकी बातें और जीवन इन दो समस्याओं का समाधान का रास्ता दिखा सकता है। तो मैं विश्वास से कहता हूं कि जगत के सैकड़ों महापुरुषों की तरफ हम नजर करेंगे तो एक अकेले महात्मा गांधी हमारे नजर में आएंगे जो इन दोनों समस्याओं के समाधान का रास्ता दिखाते हैं।